स्वागत है इस YouTube चैनल में। अगर आपने मेरे से कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और इसके साथ ही कुछ मैंने नीचे अपने अकाउंट ग्रुप भी दिए हैं, जैसे कि tradingview.com, WhatsApp एंड Telegram चैनल एंड कोरा एंड मिनी मोर। उससे होगा क्या कि अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं या जस्ट विजिट भी करते हैं लाइक ट्विटर, ठीक है, आपको मेरे द्वारा जो एनालिसिस है या आइडियाज़ हैं, ठीक है, वाया यूट्यूब वीडियोस या फिर कुछ एल्स डायरेक्टली भी आपको सभी मिल जाएंगे। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू को मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपना टारगेट हिट हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर अपना कुछ एनालिसिस कैसे रहा, ठीक है, या फिर क्या भी जो भी एनालिसिस हमने किया था। अभी भी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टॉक खोल रखा है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और आज ही इस स्टॉक ने, ठीक है, अपने को 10%, ठीक है, 10% का अप मूव दिया है। एग्जैक्टली बोलूँ तो 9.25% का, ठीक है। इस स्टॉक का मैं नाम इस वीडियो में शायद ही बोलूँ, क्योंकि मैं जो पुराना वीडियो था उसको टैग करूंगा, आप उसमें जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। कोई ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं, जस्ट मैंने पिछले ही दिन जाने के मतलब कल ही बनाया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इस स्टॉक का एनालिसिस, अभी ये देख सकते हैं स्टॉक एक कुछ अच्छा पैटर्न बना रहा है, जो मेरा एनालिसिस था। सेम वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर पुल बैक आ सकता है और यहाँ से फिर मतलब अपना गेन कर सकते हैं ये कंटिन्यू, ठीक है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और कुछ यहाँ पर हमने बाय किया, ठीक है, लेकिन मेरा जो बाय पॉइंट था वो मैंने 154 के करीब किया है, ठीक है, ये लगभग यहाँ पर, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम डेली पे आते हैं क्योंकि ये हमारी पहुंच में नहीं था तब स्टॉक, ठीक है। लोगों ने यहाँ पर 138 पे रेकमेंड किया था लेकिन मैंने 152, कोई ज़्यादा ब्रेक करने की चीज़ नहीं है, ठीक है, सबका अपना अपना एनालिसिस है, ठीक है। और इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। और अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अभी ये देख सकते हैं कि आज हुआ क्या। स्टॉक मार्केट खुला, ठीक है, तुरंत इसने मतलब बड़ा स्टॉक, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाएंगे, ठीक है। ये स्टॉक जो जिसकी बात मैंने अभी कर रहा हूँ, इसका मतलब 154 या 150 एंट्री है और टारगेट इसका भी हिट नहीं हुआ है। मेरा टारगेट 204 रुपीज़ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट, ठीक है। अभी भी इसका टारगेट जो पेंडिंग है, अगर हम बोलें तो 24 से 25% अभी भी मिल सकता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। ये मैं स्टॉक किसी को मतलब आई थिंक वीडियो बनाया नहीं, लेकिन मेरे ट्रेडिंग व्यू में इसके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। जो ये स्टॉक है ये निफ्टी 50 का पार्ट है आई थिंक, ठीक है, और इसमें ज़्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो मेरा एंट्री पॉइंट था 3000 रुपीज़, और यहाँ पर 3034, ठीक है, जो मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मतलब कितना स्टॉक बढ़ चुका है अभी तक 10% ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब लगभग बोले तो 9% है, 9 से 10%, ठीक है। और इसका जो मैंने टारगेट लगाया है वो अराउंड 519 है, मतलब 5200 रुपीज़ का टारगेट है, ठीक है। और इसका जो एनालिसिस है वो कुछ इस तरह का है, ये देखिए, तो इसका पैटर्न जो दिख रहा है वो मंथली टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये कर्व पैटर्न जो स्मॉल स्मॉल कर्व हो रहे हैं वो बन रहा है, और यहाँ पे जो है अपना अकोमोडेशन फिर दोबारा से हो रहा है, और जैसे इस चीज़ को ब्रेकआउट करता है,
ठीक है। यहाँ पर अभी जो आने वाले दिन है मेरी, यहाँ पर ये निकालने की कोशिश करेंगे बंदों को, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना ये वाली चीज यहाँ तक वापस आ सकता है स्टॉक 3196 तक, रुपीस तक, और फिर यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट दे सकता है, कंट्री भी जा सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर सकता है स्टॉक, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।